फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषा न्यूट्रिफिट यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा मैं बात करती रहती हूँ कि एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें एक्सरसाइज कब करना चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए या फिर इवनिंग में करना चाहिए। तो इसका आंसर है, जब आपको टाइम मिलता है तब आप दिन भर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सभी लोगों को पता है कि एक्सरसाइज करने से आप चुस्त तंदुरुस्त बने रहते हैं। इसके साथ ही कई अन्य जो बीमारियां रहती है उनसे भी हमारा शरीर बचा हुआ रह सकता है, इसलिए एक्सरसाइज हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक्सरसाइज करने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। ज़्यादातर यानी मॉर्निंग एक्सरसाइज और इवनिंग एक्सरसाइज, दोनों टाइम जो रहते हैं एक्सरसाइज के, वो दोनों एक्सरसाइज के टाइम में हमें फायदे जो है वो अलग अलग मिलते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक फायदा ये होता है कि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिनसे कि जो कि हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं और जिससे आप दिन भर खुश रह सकते हैं, इसलिए एक्सरसाइज जरूर करें। तो पहले जानेंगे कि मॉर्निंग एक्सरसाइज से हमें क्या फायदे मिलते हैं। तो मॉर्निंग एक्सरसाइज से सबसे पहला एक फ़ायदा तो है कि हमारा वज़न कम हो सकता है, जो कि सभी लोग जिनसे परेशान रहते हैं कि हमारा वज़न कैसे कम होगा, तो जिनको वज़न कम करना है उन्होंने मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना है, ताकि उनका मसल डेवलपमेंट जो है वो बना रहे और वज़न जो है वो कम हो। और वज़न कम होने का रीज़न ये रहता है कि मॉर्निंग में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पेट जो होता है वो खाली रहता है, क्योंकि हमने 10-12 घंटे से कुछ खाया नहीं होता है। और इस टाइम पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को एक्सरसाइज करने के टाइम पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमारा शरीर जो है वो स्टोर कैलोरीज जो हमारी बॉडी में मौजूद होती है फैट के फॉर्म में उसको यूज़ करता है। और इस यही रीज़न है कि अगर आप सवेरे एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी बॉडी से फैट बर्न करता है, इसलिए सवेरे की एक्सरसाइज जो है वो फ़ायदेमंद होती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे शरीर में जो एक्सरसाइज करने से ब्रेन से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन्स, तो ये हमारे शरीर के हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं जब हम सवेरे के टाइम में एक्सरसाइज करते हैं। तो ये तीनों हार्मोन्स सिक्रीट होने से एक तो आप दिन भर खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, इसके साथ ही आपका एनर्जी और स्टैमिना लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। और अगर आप तीसरा फायदा ये है कि अगर आप सवेरे की धूप में एक्सरसाइज करते हैं तो धूप में एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होगा, और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन भी अच्छी मात्रा में होगा और आपको विटामिन डिफिशियंसी भी नहीं आएगी और आँखों की रोशनी जो है वो भी अच्छी रहेगी। तो इतने सारे फायदे हमें सवेरे की एक्सरसाइज से मिल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि इवनिंग के टाइम में एक्सरसाइज किन लोगों ने करनी चाहिए। तो इवनिंग के टाइम में सबसे पहले तो जिन लोगों को सवेरे उठना जान पर आता है, या फिर जिन लोगों को काम की वजह से या स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं खुलती है, तो वो लोग इवनिंग के टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ज़्यादातर जिनको वज़न बढ़ाना है वो लोगों ने इवनिंग के टाइम में एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न ये रहता है कि दिन भर हमने खाया हुआ रहता है, हमारा ब्रेकफास्ट लंच ऑलमोस्ट हो चुका होता है और हमारे शरीर में कैलोरीज अच्छी मात्रा में रहती है। तो इवनिंग के टाइम में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप अगर कुछ वेट लिफ्टिंग करते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए तो वो अच्छी मात्रा में हमारे शरीर में मौजूद होती है, जिस वजह से हमारी मसल डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरीके से होती है और हमारा वज़न भी अच्छा बढ़ सकता है, इसलिए इवनिंग का एक्सरसाइज जो है वो भी फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम की एक्सरसाइज से आपको फायदे ही मिलेंगे, इसलिए जब आपको टाइम मिलता है तब आप एक एक्सरसाइज का रूटीन ज़रूर बनाइए, अपनी सेहत के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, आपकी यानी खूबसूरती बनाए रखने के लिए,
अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, इसके लिए भी एक्सरसाइज जो है वो फायदेमंद रहता है। अरे लाभ आपको एक्सरसाइज करने से मिल सकते हैं, तो क्यों ना अपनी सेहत के लिए आधा घंटा जरूर निकाले और एक्सरसाइज करें, ताकि आपका जीवन सेहत और खुशियों से भरा रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करें, इसके साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।